जब भी बात महाभारत की होती है, चक्रव्यूह की चर्चा जरूर होती है। वही चक्रव्यूह जिसमें फंसकर मारा गया था अभिमन्यु, वही चक्रव्यूह जिससे निकलने का रास्ता सिर्फ अर्जुन को मालूम था, वही चक्रव्यूह जिसकी चर्चा मात्र से विचलित होते थे भगवान कृष्ण। आखिर क्या था चक्रव्यूह, कैसा दिखता था चक्रव्यूह? आज तक ने इन सवालों का जवाब ढूंढ निकाला है। आज तक ने वो चक्रव्यूह ढूंढ निकाला है जो द्वापर युग में विरोधियों को पस्त करने के लिए तैयार किया जाता था। जरा पत्थर पर बनी खास आकृति पर नजर डालिए, यही है चक्रव्यूह। महाभारत में भी कुछ ऐसा ही बनाया गया था चक्रव्यूह। आप भरोसा करें या ना करें, लेकिन लोग मानते हैं कि ये चक्रव्यूह द्वापर काल से यहाँ मौजूद है। कहते हैं पत्थरों पर बने इस चक्रव्यूह को पांडवों ने अभ्यास के लिए वनवास के दौरान बनाया था। पांचों भाई पत्थर पर चक्रव्यूह बनाकर उसे भेजने की कोशिश किया करते थे। द्वापर काल के ये निशान मौजूद है हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में। हमीरपुर में एक गांव है राजनौर। गांव में शायद ही कोई आता जाता है, लेकिन वहां की एक शिला पर बनी ये खास आकृति कलयुग से द्वापर में ले जाती है। यहाँ रहने वाले दावा करते हैं कि द्वापर युग से यहाँ पर मौजूद है ये चक्रव्यूह। चक्रव्यूह है पांडवों के टाइम का है। पहले ये नोड ऊपर से अब तो बंद कर दिया, गवर्नमेंट ने पानी सप्लाई कर दिया 10-12 गांव में। पहले पानी चलता था बाहर, ये चक्रव्यूह में पानी होता था, तो पांडव यहाँ पर प्रैक्टिस करते थे, तो और भी दुनिया आती थी यहाँ, तीर्थ स्थान था ये, ठीक है ना। तो अभी इसको जो है ना प्रयुक्त स्थल बनना चाहिए, गवर्नमेंट को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। अब देखिए कैसा है ये चक्रव्यूह और कैसा था वो चक्रव्यूह जिसे महाभारत युद्ध के दौरान तैयार किया गया था। पत्थर पर बने घेरे की तरह युद्ध के दौरान तैयार किया गया था सैनिकों का घेरा। कहते हैं महाभारत युद्ध के दौरान बनाए गए चक्रव्यूह में 7 घेरे थे। उन 7 में से 6 को भेजने का रास्ता अभिमन्यु जानता था। आप पत्थर पर बने इस चक्रव्यूह को देखिए, देखिए इसमें भी 7 घेरे हैं। ये रहा चक्रव्यूह का पहला घेरा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा और ये आखिरी यानी 7वां। महाभारत काल में युद्ध नीति का खास हथियार माना जाता था चक्रव्यूह, लेकिन कलयुग में चक्रव्यूह की अहमियत खत्म हो गई, बस पत्थरों पर चक्रव्यूह के निशान बच गए हैं। अनिल गोमा, राजनौर, हमीरपुर, आज तक। हिमाचल के हमीरपुर में मौजूद महाभारत काल का ये चक्रव्यूह का, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि इसकी रचना एक ऐसे मकसद से की गई थी जो बहुत खास था। कहा यह भी जाता है कि हर रोज इसमें पानी भरकर पांडव व्यू को भेदने का रास्ता ढूंढा करते थे। कहा जाता है कि सदियां बीत गईं, लेकिन पत्थरों पर मौजूद रहा महाभारत काल का सबसे अनूठा निशान। वो चक्रव्यूह जिसके 7 घेरे को भेदने का तरीका सिर्फ 2 लोगों को मालूम था, अर्जुन और भगवान कृष्ण।
चक्रव्यूह बनाने और उससे बाहर निकलने का तरीका गुरु द्रोणाचार्य ने पांडवों को गुरुकुल के दिनों में बताया था, लेकिन अर्जुन को छोड़कर किसी को भी वो तरीका समझ में नहीं आया। कहते हैं वनवास के दौरान जब पांडवों ने राजनौर में डेरा डाला तो उन्हें ये बात परेशान कर रही थी कि अगर युद्ध के दौरान गुरु द्रोण ने चक्रव्यूह की चुनौती दी तो क्या होगा। बताया जाता है कि पांडवों ने तय किया कि पांचों भाइयों को चक्रव्यूह भेदने का तरीका मालूम होना चाहिए। कहते हैं पांडवों ने पत्थर पर चक्रव्यूह बनाए। इसके बाद अर्जुन ने अपने भाइयों को अभ्यास कराना शुरू किया। दावे किए जाते हैं कि इस चक्रव्यूह में पानी छोड़ा जाता और पानी जिस रास्ते से होकर जाता उससे ये समझने की कोशिश की जाती कि युद्ध भूमि में कैसे भेदा जाएगा चक्रव्यूह। आज भी पानी छोड़ने पर इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का रास्ता दिखाई दे जाता है। देखिए ये डाला गया पानी, अब देखिए जिस रास्ते पानी बाहर आ रहा है वही है चक्रव्यूह भेदने का तरीका। कहा जाता है कि हर रोज अलग अलग तरीके से चक्रव्यूह भेदने का अभ्यास करते थे पांडव, यानी हर रोज अलग अलग तरीके से व्यूह में डाला जाता था पानी। जब अलग जगह पर डाला जाएगा पानी तो जाहिर है अलग रास्ते से बाहर आएगा। यानी पत्थर पर बने चक्रव्यूह की मदद से हर दिन युद्धभूमि के चक्रव्यूह को भेदने का एक नया रास्ता तलाशने की कोशिश होती। बताया जाता है कि पांडवों ने चक्रव्यूह के पास एक नौर यानी बावड़ी भी बनवा रखी थी, उसी बावड़ी से लाकर हर रोज इस चक्रव्यूह में पानी छोड़ा जाता। कहते हैं पत्थर पर बना ये चक्रव्यूह इस बात का सबूत है कि पांडवों ने खूब मशक्कत की ताकि रणभूमि में असली चक्रव्यूह भेदने का गुर सीख सके। हे भगवान, वहां अभिमन्यु भारतवर्ष के अनेक महारथियों के बीच अकेला पड़ गया है। उनमें से एक एक योद्धा 100-100 सेनाओं के बराबर है, सब रणनीति में निपुण है। मैं अर्जुन को क्या मुंह दिखाऊंगा। लेकिन महाभारत में लिखा है कि युद्ध भूमि में उस चक्रव्यूह को कोई भेद नहीं पाया। चक्रव्यूह को भेदने का तरीका केवल अर्जुन और भगवान कृष्ण को मालूम था। जब महाभारत में पांडवों को हराने के लिए गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की तो अर्जुन को युद्ध भूमि से दूर भेज दिया गया। इसके बाद अभिमन्यु ने चक्रव्यूह को भेदने की चुनौती को स्वीकार किया, लेकिन वो सिर्फ 6 दरवाजों को भेदने का तरीका ही जानता था और आखिरी पड़ाव पर जाकर अभिमन्यु फंस गया। चक्रव्यूह युद्ध की ऐसी बिसात जिस पर बड़े से बड़ा शूरवीर भी मात खा जाए, मौत किस ओर से आ जाए कुछ भी नहीं पता। जी हाँ, आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही पत्थर की ये कलाकारी द्वापर युग की वो व्यूह रचना है जिससे पार पाना किसी के बस की बात नहीं थी। महाभारत में कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य के अलावा सिर्फ महाधनुर्धर अर्जुन ही चक्रव्यूह को भेद पाने का मादा रखते थे, क्योंकि वो व्यूह मुझे आधा ही आता है। कहा जाता है कि अर्जुन ने अपनी पत्नी सुभद्रा को चक्रव्यूह भेदने की कला बताई थी। उस वक्त सुभद्रा की कोख में अभिमन्यु मौजूद थे और कोख से ही अभिमन्यु भी चक्रव्यूह भेदने की कला सीख रहे थे, लेकिन अर्जुन की बात सुनते सुनते सुभद्रा को नींद आ गई, जिसके बाद चक्रव्यूह के 6 दरवाजों को तोड़ने की कला तो अभिमन्यु सीख गए लेकिन 7वें द्वार को तोड़ने का राज ही रह गया। गर्भ में था जब धर्म अधर्म की सबसे बड़े युद्ध महाभारत में कौरवों ने चक्रव्यूह के जरिए पांडवों को हराने की रणनीति बनाई। लेकिन जब तक अर्जुन और कृष्ण युद्ध भूमि में मौजूद थे शायद दुर्योधन की मंशा पूरी नहीं होती, लिहाजा दुर्योधन के एक सेनापति ने अर्जुन को हराने की चुनौती दी।
दुर्योधन का वो सेनापति युद्ध करता हुआ अर्जुन को युद्ध भूमि से काफी दूर ले गया। इधर कौरवों ने चक्रव्यूह तैयार किया और चुनौती दी। आचार्य द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कृतवर्मा, सुशासन, कर्ण, मुझे इसकी मृत्यु चाहिए। युद्धभूमि में न अर्जुन थे और न ही कृष्ण, द्रोणाचार्य खुद कौरवों के साथ थे। अब चक्रव्यूह तोड़ने का दारोमदार अभिमन्यु पर आया। अभिमन्यु ही ऐसा अकेला योद्धा था जो चक्रव्यूह को तोड़ने का तरीका जानता था। अभिमन्यु ने पांडवों की ओर से धावा बोला। अभिमन्यु ने बाकी योद्धाओं के साथ मिलकर जबरदस्त लड़ाई की। देखते ही देखते कौरवों की सेना में खलबली मच गई। अभिमन्यु के आगे उनकी एक न चली। कौरवों की सेना लगातार पीछे हटती रही और अभिमन्यु आगे बढ़ता रहा, लेकिन सातवें दरवाजे पर आकर अभिमन्यु पस्त पड़ गया। उसके और साथी चक्रव्यूह में फंस गए। और वो अकेला युद्ध करता रहा। तभी कौरवों के सारे महारथी एक साथ हो गए और अभिमन्यु पर टूट पड़े। सबने मिलकर निहत्थे अभिमन्यु पर धावा बोल दिया और चक्रव्यूह में मारा गया अभिमन्यु। आज तक फिर हमीरपुर गांव में मौजूद चक्रव्यूह पर अब तक ही परत जमने लगी है। सरकार ने उसे पेयजल परियोजना का हिस्सा बना दिया है जिसमें वक्त बेवक्त पानी भर दिया जाता है। जिस गांव में चक्रव्यूह के होने के दावे किए जाते हैं वहां तक लोगों का पहुंचना बेहद मुश्किल है। जिस चक्रव्यूह को महाभारत काल का बताया जाता है, जिस चक्रव्यूह के बारे में ये कहा जाता है कि उसे पांडवों ने बनाया था, उसकी ओर अब कोई ध्यान देने वाला नहीं। वक्त के चक्रव्यूह में फंसकर इस चक्रव्यूह का वजूद खतरे में है। हिमाचल सरकार ने नॉन यानी बावड़ी को पेयजल परियोजना का हिस्सा बना दिया है। पानी भरने के बाद उस व्यूह के वजूद का पता भी नहीं चलता। राज नॉन गांव की तो छोड़िए, दूर दूर तक कोई सुविधा नहीं, लिहाजा सैलानी भी नहीं आते। और इसमें सड़क के लिए बहुत बार बोला गया, परंतु ये जो है सड़क के बारे में कोई भी सुनवाई नहीं की जा रही है। टूट रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, कोई इसको देख नहीं रहा है। गांव वाले कहते हैं कि सरकार की ओर से कभी इस व्यूह को राष्ट्रीय धरोहर बनाने की कोशिश नहीं हुई, लिहाजा इलाके के विकास को लेकर सरकारी पहल भी नहीं हुई। हाँ, सरकार ये दावा जरूर कर रही है कि जल्द ही राजनौन को हमीरपुर और ऊना से एक सुरंग के जरिए जोड़ा जाएगा। इसका निर्माण शीघ्र ही होने जा रहा है और उसमें जो वो स्थान है वो निश्चित रूप से विकसित होगा और वहां पर जो है जहां सड़क से भी उसको जोड़ा जाएगा। ऐसा कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है जिसके आधार पर ये कहा जा सके कि राजनौन में मौजूद इस चक्रव्यूह की रचना पांडवों ने की थी। इस बात का भी कोई प्रमाण नहीं है कि ये चक्रव्यूह महाभारत काल में ही बनाए गए थे। फिर भी अगर गांव वालों के दावों को सही मानकर इलाके का विकास किया जाए तो प्रकृति की गोद में बसे इस गांव के लोगों की माली हालत बेहतर हो जाएगी। अनिल गोमा, राजनौन, हमीरपुर, आज तक। प्रणाम मेरे भाई बहन, आज का मंत्र है पुष्प मंत्र। इसका प्रयोग करते हैं अच्छे स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए। स्वास्थ्य अगर हमारा अच्छा रहता है सब काम ठीक होता है। कभी कभी स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाता है और सारी कितनी भी सुख सुविधाएं हो, स्वास्थ्य अगर अच्छा ना हो, तबीयत ठीक ना हो तो ठीक नहीं होता है। कभी कुछ खा लें, कभी कुछ देख लें, कभी कुछ मन में चिंता आ जाए तो एकदम स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाता है। इसके लिए इसका प्रयोग करते हैं। बहुत मैं पहले मंत्र निवेदन करता हूं और हम कामना करते हैं कि इस मंत्र का उच्चारण आप करिए, प्रयोग करिए तो आप देखेंगे स्वास्थ्य एकदम ठीक रहेगा। मंत्र है मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थम प्रतिगृह्यताम। इस मंत्र को संध्या के समय, शाम का समय होता है, 5 से 7 बजे के बीच का शाम का समय जो होता है उसे संध्या समय कहते हैं। संध्या के समय उत्तर को मुख करके बैठ जाएं और बहुत शांत भाव से 9 दिन तक लगातार प्रत्येक दिन 7 बार इसका उच्चारण करें।
इसको जप करें, इसको लगातार इसको अनुक्रम से इसको उच्चारण करें, तो आप देखेंगे आपके स्वास्थ्य में जो गिरावट आने लगती है, जो कभी कभी आपके स्वास्थ्य की चिंता होती है वो दूर हो जाएगी, आपका स्वास्थ्य एकदम ठीक रहेगा। मंत्र में एक बार पुनः निवेदन करता हूं, मंत्र है मया हर्तानि पुष्पाणि पूजार्थम प्रतिगृह्यताम। मित्रों हम कामना करते हैं आप इस मंत्र का उच्चारण करें और आपका स्वास्थ्य एकदम ठीक रहे। और अब समय है जिज्ञासा का। मित्रों आज की जिज्ञासा है कि पूजा में सुपारी क्यों रखते हैं? आप देखते हैं जब पूजा करते हैं सुपारी उसमें रखते हैं, सुपारी से पूजा सफल होती है। इसे संस्कृत में कहते हैं पूग फल, अर्थात पूर्णता की ओर ले जाने वाला फल। पूग फल अर्पण करने से मन में एक तो अच्छा भाव रहता है और पूजा पूर्ण होती है। जब भी आप पूजा करें तो पान सुपारी इलायची लौंग अर्पण करते हैं। सुपारी बहुत पवित्र मानी जाती है और सुपारी से अर्पण करने से पूजा करने से पूजा सफल होती है। हम कामना करते हैं जब भी आप पूजा करें पूजा में सुपारी अवश्य रखें। सुपारी से पूग फल रखने से, सुपारी को पूग फल कहते हैं, पूग फल रखने से सुपारी रखने से आपकी पूजा पूरी हो, आपको पूजा का पूरा फल प्राप्त हो। मित्रों इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। नई जिज्ञासाओं और जानकारियों के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, आज इतना ही। प्रणाम।